का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। 1 तारीख को विश्व अहिंसा दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती, आज देख लीजिए मुंशी प्रेमचंद जेपी मूवमेंट का, ऐसे महापुरुषों का पुण्यतिथि है, जयंती है। और इसी आज अक्टूबर में, अभी 15 अक्टूबर जो आएगा उसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है भाई। और हर वर्ष इसी अक्टूबर में नवरात्र का भी ये आता है। अब नवरात्र पर थोड़ा 15 तारीख से ये स्टार्ट हो जा रहा है, 14 तारीख के सामने संकल्प होंगे। ये नवरात्र के माध्यम से हम विद्यार्थी वर्ग अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मनस्थिति यदि बनाए इसके विज्ञान को पर थोड़ा सा, और इसके प्रत्यक्ष लाभों पर थोड़ी सी आज हम चर्चा करने की हमारी इच्छा है। कि इसके माध्यम से हम चाहेंगे तो अपनी पर्सनालिटी को और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। एक विज्ञान है। विज्ञान क्या है कि अभी देखिएगा ऋतुओं का परिवर्तन हो रहा है, अभी गर्मी और बरसात ये जाने वाला है और शरद ऋतु का आगमन होने वाला है। अब धीरे 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 क्या है, गुनगुना धूप और गर्मी कम होने वाला है और धीरे धीरे दबे पांव ठंडक हमारे पर प्रवेश करने वाला। अब सुबह इच्छा क्या करता है, थोड़ा चादर ढक ले पतला ही सही। ये दोनों ऋतुओं का मिलन है और हमारे ऋषियों ने जो रिसर्च किया, ऋषि का मतलब ये समझ लीजिएगा फकीर नहीं, वो मांगने वाला नहीं, बल्कि जो वैज्ञानिक थे, ये अध्यात्म के महावैज्ञानिक। अभी हम जो साइंटिस्ट का नाम विश्व पटल पर लेते हैं, उसका आरंभिक जो विज्ञान का सूत्र था, अभी चंद्रयान 3 पहुंचा तो क्या बोला कि अगर भारतीयों ने हमको दशमलव नहीं दिया होता तो चंद्र पर जाना संभव था क्या? तो हमारा सुपर साइंस हमारे देश के पास पहले से विद्यमान था और यहाँ किसी भी अनुष्ठान में जो हम लोग पूजा पाठ में जल और अग्नि का जो प्रयोग करते हैं, ये जल और अग्नि क्या है, ये हमारा जीवन का आधार है। गुण के रूप में देखेंगे तो एक दूसरे का विरोधी है। आग पर पानी छिड़केंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगा, लेकिन एक सही टेम्परेचर पर, कहते हैं जब आग और पानी को मिलाते हैं तो भाप बन जाता है और भाप बनकर क्या करता है, 50 बोगी ट्रेन को वंदे मातरम को कहां से, कोलकाता से दिल्ली ले जाता है, कोडरमा से मुंबई ले जाता है। ये क्या है, ये सूक्ष्मीकरण का विज्ञान है। और ऋतुओं का जब परिवर्तन हो रहा है तभी देखिएगा ऋतुओं का जो संधि बेला, मिलन बेला, गर्मी और बरसात जाने वाला है और ठंडा आने वाला है। ऐसे समय में यदि हम अपने आप को तैयार करें तो हमारे शील में गजब का परिवर्तन होता है। और ऐसे समय में जो तैयारी नहीं करते उनको क्या है, प्रकृति जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करती है, और ऑपरेशन करती तो हमारे शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है, अधिकतर 90% आदमी को देखेगा साथ सर्दी खांसी बुखार वायरल फीवर ऐसे समय में बहुत बहुत मात्रा में देखा जाता है, सारे के घर पूरा परेशान। लेकिन ऐसे समय में अगर 9 दिनों का इस नवरात्र अनुष्ठान को अपने जीवन में शामिल कर ले, इसके लिए करना क्या है, 9 दिन ही क्यों, क्योंकि हम लोग 9 महीने तक माँ के गर्भ में हमारा जो है ये बॉडी तैयार होता है। एक ऐसा वो कहिए कि मशीन है परमात्मा का वंडरफुल, कितना ठंडक चाहिए, कितनी गर्मी चाहिए, कितना उसमें तापमान चाहिए, उतना अनुकूलित होता है कहाँ, माँ के गर्भ में गर्भवती शिशु के लिए, उसके लिए सारा अनुकूलित वातावरण वहां विद्यमान होता है, भोजन पानी से लेकर सारा कुछ। ये प्रकृति के गर्भ में, माँ के गर्भ में तो हम केवल 9 महीना रहते हैं, लेकिन अभी चाहे तो प्रकृति माता के गर्भ में अपने आप को 9 दिनों तक छिपा सकते हैं, उनके आंचल में अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। 9 दिनों तक करना क्या है, 15 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो 9 दिन का नवरात्र है। 9 दिन क्यों, ये कि 9 दिन में ये ऋतुओं का ये गजब का परिवर्तन होता है। ये 9 दिनों में यदि हम सात्विक आहार लेते हैं, ये कहिए कि हम अपने आप को अखाद्य से यदि बचाते हैं, इस अवसर पर हम अंडा का सेवन नहीं करते हैं, इस अवसर पर हम मसाला युक्त भोजन नहीं करते हैं, इस अवसर पर यदि हम अखाद्य भोजन नहीं लेते हैं, इस अवसर पर हम सात्विक भोजन लेते हैं, जैसे भूखे नहीं रहना है, जैसे दूध रोटी ले लेते हैं, दही रोटी खा लेते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले लेते हैं, अंकुरित अनाज ले लेते हैं, उसमें थोड़ा किशमिश वाला मिलाकर कर लेते हैं, बादाम जो मूंगफली का दाना है उसको थोड़ा सा भून करके
उसमें ड्राई फ्रूट्स के रूप में दो चार दाना किशमिश वगैरह मिला करके हम ले लेते हैं, दूध ले लेते हैं, फल ले लेते हैं, फ्रूट्स ले लेते हैं, तो ये 9 दिनों तक हम भूखे नहीं रहे। लेकिन उसमें हमने क्या किया कि जो पेट को भारी करता है, जो पेट को गर्म करता है, जो नेचुरल भोजन है, मूली है, गाजर है, टमाटर है, आलू है। अब कहें भाई 9 दिनों तक तो नमक और चीनी ये दोनों विज्ञान के दृष्टि से हमारे शरीर के लिए जहर है, ये दोनों ही खतरनाक है। जितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या शुगर पेशेंट बढ़ रहा है, इसका दो ही है, हर आदमी के शरीर को रोज गला रहा है नमक और चीनी रोज हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। तब यह क्या करें, 9 दिनों तक यदि हम अपने नमक और चीनी से परहेज करते हैं तो क्या होता है, जो हमारे शरीर में इंसुलिन पहले से है, जो शुगर पहले से जमा है बैंक, 9 दिनों तक लॉकडाउन की अवधि में जो मजदूर, जो मध्यम वर्ग के परिवार कमाने खाने वाला जो नहीं कमा सका, तो लॉकडाउन की अवधि में खाया क्या, जो पहले से कमा के रखा था, जमा करके रखा था, तो हमारे शरीर में जो पहले से शुगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो विद्यमान है, 9 दिनों तक इसी से काम चलाया। अब एकाएक आप शुरुआती दौर में छोड़ नहीं सकते हैं, तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए आपको जो नेचुरल नमक होता है, जिसको सेंधा नमक कहते हैं, उसका पहाड़ होता है, तो उससे सादा नमक की जगह सेंधा नमक प्रयोग कर सकते हैं। वैसे नए विद्यार्थी के लिए शुरुआती दौर में कहते हैं एक बार की छलांग नहीं लगाना चाहिए, बच्चा एक बार की दौड़ने नहीं लगता, धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। हम लोग तो एक टाइम खा के रहते हैं, आप दोनों टाइम लीजिए, आप जो अंडा खरीदते हैं उसके बदले दूध खरीदिए, ये सब चीजों को। और ये 9 दिनों तक जो गायत्री मंत्र का सामूहिक जप जो होगा, सामूहिक जप एक साथ पूरे अखिल विश्व में, गायत्री मंत्र का ही क्यों, देवी भागवत का भी पाठ होता है, दुर्गा सप्तशती भी के भी लोग पाठ करते हैं, चंडी पाठ करते हैं, बहुत सारे उसमें प्रयोग होता है। लेकिन गायत्री मंत्र क्या है, अभी के परम पूज्य गुरुदेव ने कहा नवरात्रि का सबसे अच्छा माध्यम है ये गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र क्यों, क्योंकि गायत्री मंत्र में 9 शब्द है, और 9 दुर्गा में कहते हैं दुर्गा के 9 रूप है, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, इस तरह 9 रूप का पूजा होता है 9 दिन में। तो गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर को यदि मिला दें, इसमें 24 अक्षर है, 24 अक्षर को 9 भागों में बांटा गया, 9 शब्द से बना गायत्री मंत्र के, 9 शब्द से 9 दुर्गा का निर्माण हुआ। और कहते हैं ग्रहों की संख्या भी कितने हैं, 9 है, और ग्रहों सभी ग्रह किसकी परिक्रमा करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य ही ऊर्जा का केंद्र है, ये नाभि है, ये शरीर का ये नाभि चक्र, जैसे बैकबोन जो रीढ़ की हड्डी है, जो पूरे शरीर का जैसे बैलेंस रखता है, उसी तरीके से ये नाभि केंद्रक है ये सूर्य पूरे ब्रह्मांड का। और इसलिए पृथ्वीवासी को ये क्या कहा जाता है, सौर्य परिवार का सदस्य, ये क्या है, पृथ्वी सौर्य मंडल, ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहां सूर्य की रोशनी न जाती। और गायत्री मंत्र के देवता कौन है, सूर्य है। गायत्री मंत्र के प्रथम अक्षर में किनका नाम आया, सवितुर्वर्ण्यम, सूर्य को वरण करें। तो सूर्य को जब हम वरण करते हैं, गायत्री मंत्र का एक साथ जप करते हैं, यह ईश्वरीय वाणी जो इस सृष्टि में सबसे पहले इसका उद्घोष किया गया, निनाद किया गया, जिसका वर्णन अथर्ववेद में है, जिस गायत्री मंत्र का वर्णन गीता में है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं गायत्री छंदसाम, छंदों में मैं स्वयं गायत्री महामंत्र हूं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अर्जुन पहाड़ों में मैं हिमालय हूं, सर्पों में वसु की शेषनाग हूं, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं, ग्रहों में मैं सूरज हूं, प्राणियों में मैं मनुष्य हूं, ऋतुओं में मैं बसंत हूं, और मंत्रों में क्या हूं, महामंत्र गायत्री हूं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर क्यों है, क्योंकि यह सृष्टि में अन्य चीज अलग अलग है, धन यौवन रूप श्रृंगार पर्सनालिटी सबका अलग अलग दिखेगा, कोई लंबा है, कोई नाटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन सबके लिए सृष्टि में एक चीज समान है, वो क्या है, 24 घंटे का समय, एक पागल के लिए भी और एक स्वस्थ के लिए भी, एक राजा के लिए, अंबानी के लिए भी, और एक रंग के लिए भी, 24 घंटा का समय सृष्टि में समान रूप से मिला हुआ है। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर से ही सृष्टि के 24 घंटे का निर्माण हुआ है। कहते हैं जो आदि वाल्मीकि रामायण है, उसमें भी गायत्री मंत्र के ही 24 अक्षर से 24,000 का श्लोक का निर्माण हुआ, वो इसमें गड़बड़ी पैदा नहीं करें, इसलिए एक मंत्र गायत्री मंत्र के एक अक्षर तत्व पर 1,000 श्लोक, उसमें एक चाबी लगा दिया गया गायत्री मंत्र का, फिर तत् से फिर 1,000 श्लोक है, वहां 100 अक्षर का लॉक लगा दिया गया, 24 अक्षर से 24,000 श्लोक, देवी भागवत में भी 24 अक्षर से 24,000 श्लोक, यानी गायत्री मंत्र उतना ही पुराना है जितना पुराना ये सृष्टि। इसलिए बहुत अच्छा कहा कि अगर
यीशु नहीं आते तो आज ईसाई धर्म नहीं होता, भगवान बुद्ध जी 2500 वर्ष नहीं आते तो आज कोई बौद्धिस्ट नहीं होता, अगर महावीर उनके 24 तीर्थंकर महावीर नहीं आते तो आज कहते जैन लोग नहीं होते, इस तरीके से मोहम्मद साहब नहीं आते तो इस्लाम मत का आज कोई परिकल्पना नहीं करता। लेकिन ये जो सत्य सनातन है जिसकी वैज्ञानिकता पर ऋषियों ने काफी रिसर्च किया, जो सनातन है, जो शाश्वत है, जो हर युग में हर समय में एक जैसा उसका संविधान है और वह हर आदमी के लिए शाश्वत सत्य है, किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो वो चाहेगा कि हम 6 महीना में जन्म ले लें तो नहीं, ये प्रकृति का ईश्वरीय नियम है, 9 महीना उसको गर्भस्थ शिशु के रूप में जन्म ले रहना ही पड़ेगा, प्रकृति के जो नियम है उसका परिपालन उसको करना पड़ेगा। जैसे बाहुबली विधायक, बोला ये बाहुबली विधायक क्या है, बोला इससे पूरा इलाका डरता है, थर्राता है, लेकिन वो ठंडा का दिन आता है तो बाहुबली विधायक भी चादर ढक लेता है अपने शरीर से, बाहुबली नहीं, क्योंकि प्रकृति के मुट्ठी में सब है। रावण पूरे तीनों लोक को जीतने का संकल्प लिया था, स्वर्ग में सीढ़ी, लेकिन उसकी भी मृत्यु निश्चित थी, वो भी प्रकृति के अंदर अंदर था, इसलिए एक दिन उसको हारना पड़ा। तो प्रकृति से संपर्क बनाने का ये 9 दिन का बड़ा सुनहरा अवसर है, ये 2 नवरात्रियां इसलिए हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया गृहस्थों के लिए, जो बहुत बड़ी तपस्या नहीं कर सकते हैं, जो बहुत ज्यादा कहिए तप साधना नहीं कर सकते हैं, तो चलते फिरते अपना काम करते अपना काम भी नहीं रुकना चाहिए। ये 9 दिनों में हम ये पूरे 6 महीना का ऊर्जा अपने शरीर में स्टोर कैसे करें, इसका विज्ञान का नाम था नवरात्र अनुष्ठान, जो 14 तारीख के शाम में हरिद्वार से संकल्प होंगे और 15 तारीख के सुबह से 15 से 23 तक 24 सुबह इसकी पूर्णा हो जाएगी। 9 दिनों का व्रत में कहते 24,000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है और इसके लिए प्रतिदिन 3 घंटा, भाई 3 घंटा तो आप रोज नहीं बैठ सकेंगे, आपका आदत नहीं है, तो नए लोगों के लिए 1.5 घंटा गुरुदेव ने प्रारंभ किया कि 1.5 घंटा दिन भर में, एक बार में आधा घंटा सुबह, आधा घंटा बैठिए तो दोपहर में 1:30 बजे, 2 बजे आधा घंटा बैठिए, फिर शाम में आधा घंटा बैठिए, तो आपका 1.5 घंटा यानी 15 माला का जप हो जाता है। अगर आप जप करने में सक्षम नहीं है तो 2400 मंत्र लेखन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका भी उपलब्ध आपको करा देंगे। तो ये 9 दिनों तक जो पूरी अखिल विश्व में 5,000 शाखाएं हैं हमारा गायत्री परिवार की, और हर शाखा में कम से कम 500 लोग, 1,000 लोग, 200 लोग, 300 लोग यानी लगभग 10 करोड़ लोग पूरी दुनिया में एक साथ 15 तारीख से 23 तारीख तक गायत्री मंत्र का जप करेंगे, तो जैसे ठंडक के दिनों में वातावरण में हवा भूल जाता है ठंडा का तो हर आदमी को ठंडा सताता है, गर्मी जब भूल जाता है तो हर आदमी को लू लगने लगता है, वैसे ऐसे समय में गायत्री मंत्र की दीप ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। और ऐसे 9 दिनों तक जब हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हमारी हर वो बहुत सारे विद्यार्थी का ये है कि हम इतना मेहनत करते हैं, इतना ये करते हैं, फिर भी हमको सफलता नहीं मिल पा रही, हमको लक्ष्य नहीं मिल पा रहा है। विवेकानंद के पास एक जिज्ञासु गया कि हमने बहुत मेहनत से अपना लक्ष्य के लिए बहुत मेहनत किया लेकिन आज तक हम कामयाब नहीं हो पाए, लगता है कि हमारे जीवन में दुर्भाग्य लिखा हुआ। तो विवेकानंद ने क्या कहा, विवेकानंद के पास आश्रम में कुत्ता था, बोला कि आप थोड़ा सा इस कुत्ता को घुमा के ले आए, कुत्ता को घुमाने के लिए गए सैर कराने के लिए 2 किलोमीटर, उधर से आया तो व्यक्ति के चेहरे पर प्रसन्नता थी लेकिन कुत्ता जोर जोर से हांफ रहा था। बोला कुत्ता जोर जोर से क्यों हांफ रहा है, बोला इसलिए क्योंकि कुत्ता ज्यादा थक गया, क्यों, क्योंकि मोहल्ले में जब जा रहा था तो बीच में जो भी कुत्ता मिलता था उस कुत्ता से वो भिड़ जाता था, फिर आगे जाके एक कुत्ता मिला, एक कुकुर से कुकुर लड़ाई आप लोग जानते हैं कि नहीं, अभी देखते हैं हम लोग के इलाके में आदिवासी लोग वनवासी भाई लोग हैं उनके साथ कुत्ता जरूर होता है, वो शिकारी करने जाता कुत्ता जा रहा है तो गांव का 4 कुत्ता उस पर लच गया, तो हमारा हालत भी उस कुत्ते की व्यवहार की तरह हो गया। हम जाते हैं कोचिंग, हम जाते हैं लाइब्रेरी, लेकिन बीच रास्ते में हमारा ध्यान कभी गर्ल्स हॉस्टल की ओर चला जाता है, कभी रात में पोर्न वीडियो की ओर चला जाता है, कभी प्रेमिका की ओर चला जाता है, कभी किसी को दशहरा में हम लोग प्रोमिस किए कि अगर आएंगे तो आपसे मिलेंगे, यानी हम आए थे हरि भजन को पर होटल लगे कपास, और इसीलिए हम लोगों को प्रार्थना पड़ रहा है। समय तो 5 साल का है, इसलिए इस जवानी में गायत्री मंत्र, जब हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, जब हम मैट्रिक के टेस्ट में फेल हो गए थे, लग रहा था कि अब मैथ हमको समझ में नहीं आएगा, तो हम 1 साल पढ़ाई हमारे डिस्टर्ब हो गई,
किसी कार्यकर्ता से हमको प्रेरणा मिला गायत्री मंत्र का, बहोदर हॉस्टल में, और तब हमने गायत्री मंत्र क्यों लिया था कि हमको परीक्षा पास करना है, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा ऐसा था, किसान परिवार से आते थे, गांव में स्कूल था तो गुरुजी नहीं रहते थे, और जहां रहते थे अपने जीजा जी के गांव में, वहां हमको अधिकतर समझिए कि खेती किसानी के दिनों में महीना में कम से कम 15 दिन गाय चराना पड़ता था, एक टाइम तो जरूर गाय में जाना है, अगर फर्स्ट टाइम स्कूल गए तो सेकेंड आवर में भगवान कृष्ण की तरफ बांसुरी बजाई और जंगल में घूमिए नदी के किनारे गाय को, 50-60 गाय होता था उसमें 2-4 लोग और रहते थे। हमको ये नहीं पता था कि हमारी पर्सनालिटी इतना दूर तक कभी जा सकता है, हमको लोग इतना लोग जानेंगे, लेकिन इसका एक ही रहस्य है, वो गायत्री मंत्र की उपासना। हमने पूरा विश्वास पूर्वक इस उपासना को प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा में एवरीडे गायत्री मंत्र का जप करते हैं, यज्ञ रोज करते हैं, नवरात्र में क्या है कि 1-3 घंटा का जप भी करते हैं और प्रतिदिन अग्निहोत्र करते हैं। अग्निहोत्र क्या है, जो संविधा हमारे पास है, जो लकड़ियां हैं पलास का, नवग्रह का, पीपल का, बरगद का, सम्मी का, आपका अकमन का, इस तरह के जो संविधा है, चिड़ी का, पलास का, ये संविधा में जब जौ कूट करके जो शांति कुंज की जो हवन सामग्री है, जो ऐसे जड़ी बूटियों पर शांति कुंज रिसर्च किया जिसमें जिसके छाल में या फल में जिसके पत्ता में सेंट होता है, सुगंधित होता है, तो उसको तुलसी हो गया, उसमें एलोवेरा हो गया, उसमें कहिए कि अनंत मूल हो गया, जिसको हम लोग देहात में कहते हैं अनंत मूल, दुधिया, उसके जड़ में बड़ा सेंट होता है, इन सारी जड़ी बूटियों को मशीन से जौ कूट करके उसका हवन सामग्री बनाते हैं और अग्नि प्रज्वलित करके उसमें गौ घृत डालते हैं और गौ घृत से वो प्रज्वलित हो जाता है, और उसके बाद गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, सरस्वती मंत्र, हनुमान मंत्र, नवग्रह का मंत्र, इससे विशिष्ट आहुतियां उसमें, और अग्नि प्रज्वलित होकर जब वो जल करके वायुमंडल में फैलता है तो जो गुण हमारा औषधि में है वही तो फैलेगा। मिर्च में तीतापन है, उसको जलाते हैं आग में, छौंकते हैं तो घर के सारे लोग खांसने लगते हैं, क्योंकि अग्नि उसका विस्तार करता है, लेकिन जिसमें पॉजिटिव ऊर्जा है, इसमें विद्यात्मक ऊर्जा है। और इसलिए देखिएगा 21वीं सदी में जो वायरस प्रधान संक्रामक रोग आ रहे हैं, जो जैसे कोविड का वायरस, जैसे चिकनगुनिया, जैसे ये हैजा, प्लेग, इसके जो कीड़ा है वो क्या है, हवा में फैला हुआ है। तो यज्ञोपैथीज कंप्लीट पैथी, जब उन जड़ी बूटियों से मंत्र के द्वारा उस प्रज्वलित अग्नि में जब हवन डालते हैं तो पूरा वायरस नष्ट हो जाता है, केवल वातावरण नहीं, जो यज्ञ करते हैं उसकी पर्सनालिटी, जैसे प्रज्वलित अग्नि से अग्नि की लपेटें ऊपर उठती है, वैसे हमारे अंदर सोया हुआ जो बुद्धि है, हमारा सोया हुआ जो ज्ञान है, हमारी सोई हुई जो प्रतिभा है, जो बीज रूप में, उसको ताकत मिलता है और हमारी प्रतिभा अपने आप प्रकट होने लगती है, हम अपने आप साधारण बनिए से गांधी की ओर बढ़ने लगते हैं, हम माता विद्यावती और के सरदार हरकिशन के पुत्र बनकर भी शहीद आजम भगत सिंह की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, माता भुवनेश्वरी और कई विश्वनाथ दत्त के पुत्र बनकर भी हम नरेंद्र से विवेकानंद की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये असीम संभावना, अभी बगल में बोकारो है जहां गुरुजी 1981 में आए थे और जितने परिवार के लोग गायत्री मंत्र के BSL एम्प्लॉय में दीक्षा लिए और गुरुदेव के काम में सहयोग किए, आप पता करेंगे वहां जो अभी PYP के जो विशाल चौधरी जी आज हमको फोन किए थे, वो पूरे बोकारो, थर्मल, तेनू घाट, वो सब एरिया, चंद्रपुरा, 150 ऐसे आपको परिवार मिलेंगे जिनके बच्चे कनाडा में है, USA में है, वाशिंगटन में है, अमेरिका में है और ऐसे यूरोपीय कंट्री में अच्छे जॉब कर रहे हैं और वहां रह करके भी उन लोग गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं। कोविड के समय में अभी आपके गिरिडीह जिला है, गिरिडीह प्रखंड का एक विशन बुद्धन वर्मा जी रिटायर्ड टीचर है, उनके लड़के वहां बहुत कोविड का प्रभाव था, एवरी डे वो गौ घृत और वो शांति कुंज के हवन समाधि से अग्निहोत्र करते रहे, उनके वो उनके साथ साथ वो पूरे मोहल्ला के लोग सुरक्षित रह गए। इसलिए नवरात्र जो है वो एक विज्ञान है, अपने आप को डेवलप करने का विज्ञान है, अपनी पर्सनालिटी को विकसित करने का विज्ञान है। और विश्व हिंसा दिवस में जो हिंसा जो नॉर्थ अमेरिका से 1977-78 में शुरू किया गया, वेजिटेरियन, हम वेजिटेरियन बने, शाकाहारी बने, तो अहिंसा, आज तो हिंसा आदमी अपने जीवन में कर रहा है, अपने जीवन को नशा से जला रहा है, अपने जीवन को अफीम से, चरस से और नाना प्रकार की बुराइयों से अपने जीवन पर अत्याचार कर रहा है और वही अत्याचार समाज में कर रहा है। स्वच्छता 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्वच्छता किसका करे, केवल आंगन की सफाई से काम नहीं चलने वाला है, केवल बरामदा की सफाई से काम, उसको बाहरी दुनिया जहां रहते हैं वहां साफ रहना चाहिए, हमारा बेड साफ रहना चाहिए, हमारा जो बेडशीट है साफ होना चाहिए, ऐसा नहीं है,
कि उसमें कीड़ा पड़ गया, जीव पड़ गया है, खटमल हो गया है, और बड़े मजे से हम ऐश्वर्य राय को देख रहे हैं मोबाइल में। भाई उसको भी थोड़ा सा धूप में निकालिए, सप्ताह में एक दिन धूप में लगाइए, धूप में सुखाइए, उसका वायरस, उसका कीटाणु नष्ट होगा जहां। लेकिन हमारा जो गायत्री मंत्र का विज्ञान है, नवरात्र में हमारे अंदर मन से स्वच्छता का झाड़ू चलाता है, अंतर मन से हम स्वच्छ होने लगते हैं, अंदर से हमको एनर्जी मिलने लगता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है, अच्छे कामों में हमको मन लगने लगता है, निगेटिव चीज से हमको घृणा होने लगती है। इसी अध्यात्म का नाम, इसी का नाम गायत्री मंत्र है। आप अच्छाई की ओर बढ़े, आप प्रगति की ओर बढ़े, इसी स्वभाव के साथ अहिंसा दिवस 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस, और आज जेपी का जो जयंती है, आपका मुंशी प्रेमचंद, इन सभी महापुरुषों के जन्म जयंती के अवसर पर आप सभी लोगों को प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ झारखंड यूथ मोटिवेशनल क्लासेस हजारीबाग की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।